तो ऐसा है कि वो घर पे रहकर भी सरहद पे लड़ाती है, घर पे रहकर भी सरहद पर लड़ाती है, वो मेरी माँ है जनाब, जो मुस्कुरा के पापा को हिम्मत दे जाती है। स्टार्ट करती हूँ। समझ तो कुछ नहीं आ रहा, आंखों में सवाल है, क्यों सब रो रहे, क्यों माँ बेहाल है। पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार सब आ चुके थे, मानो कोई त्योहार हो इसलिए सब चुके थे। लेकिन मेरे नादान मन में एक सवाल था, त्योहार में तो खुशियां आती है, फिर घर में क्यों दुख का माहौल था। इस कश्मकश को सुलझाने के लिए मैंने अपने सवाल चाचा से पूछ ही लिया और उनके जवाब में मानो मेरा मन हो गया। उन्होंने कहा, बेटा पापा घर आने वाले हैं। तो हर्षोल्लास से भर गया मैं, क्योंकि वो अपनी अगली छुट्टी में मुझे साइकिल दिलाने का वादा कर गए थे। खुशी से नाच उठा था मैं, मुझे साइकिल मिलेगी इस ख्याल से झूम उठा था मैं अपनी खुशी को जग जाहिर कर पाता उससे पहले एक आवाज पड़ी मेरे कानों में। ये मेरे माँ की सिसकियों की आवाज थी जो अब बढ़ गई थी। हाँ मैं मानता हूँ मैं उस समय नादान था और परिस्थिति से पूरा अनजान था, लेकिन इतना तो समझ गया था कि इस बार की पापा की छुट्टी हर बार से अलग होने वाली थी। फिर उनके इंतजार में बैठ गया एक आस में कि वो आएंगे मुझे जन्नत की शहर कराने। कुछ देर बाद दूर से फौजियों की एक टोली आती दिखाई दी और फिर मुझे समझ आया कि इस बार पापा अकेले नहीं आए हैं। फिर मेरी निगाहें उस कंपनी के शेड को ढूंढने लगी जिसके कंधे पे चमकते सितारे होंगे और मेरे लिए दुनिया भर का प्यार अपने आंखों में लिए आ रहे होंगे। लेकिन न जाने उस दिन पापा दिखाई नहीं दिए, उनकी जगह तिरंगे से लिपटा एक बक्सा दिखाई दिया और वो बक्सा मेरे घर के आंगन में लाकर रख दिया गया। और अचानक से सब की सिसकियां चीख में बदल गई और मेरे चंचल मन को ऐसा लगा कि शायद उस बक्से में मेरी साइकिल हो और मैं दौड़ पड़ा उस बक्से की ओर, जहाँ साइकिल तो नहीं थी लेकिन साइकिल दिलाने का वादा करने वाला बड़े आराम से सो रहा था अपनी वर्दी पहन। लेकिन शायद उस दिन कुछ बदल गया था, वो उसकी वर्दी का रंग अब खाकी नहीं लाल था। माँ दादी बुआ सब उनके सीने से लिपट रो रहे थे, लेकिन न जाने उस दिन कैसी नींद आई थी पापा को कि वो खामोश थे। उस दिन एक अजीब सी बेचैनी मुझे भी हुई थी, उनका हाथ था, उनको उठाने की कोशिश मैंने भी की थी, वो उठ के मुस्कुराएंगे, मुझे सीने से लगा लेंगे ऐसा लगा था, लेकिन न जाने उस दिन वो क्यों खामोश थे। कुछ समय बाद सब उनको लेकर चले गए और मेरे चंचल मन को ऐसा लगा कि जब वो अगली बार लौट कर आएंगे तो मेरी साइकिल के साथ खुद भी चल कर आएंगे। तब मेरी उम्र 2 थी, आज 22 है, तब उनके हमेशा जाने का एहसास नहीं था, शायद इसलिए आज भी मन के एक कोने में उनके वापस आने की आस है, क्योंकि ये दुनिया मेरे पापा को स्वर्गीय नहीं शहीद कहती है।